हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजे मनीराम। अभी आप देख सकते हैं हम सुबह सुबह ही कहीं जाकर आए हैं, तो आज ठंड है वो बीकानेर के अंदर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और अभी मैं स्कूटी से जाके आया हूँ सिस्टर को बस में बिठाने के लिए सुबह सुबह, तो ठंड के कारण है वो हाथों ने काम करना ही है बंद कर दिया है। अभी टाइम हुआ है लगभग 7:30 बजे, तो भी इतनी ज़्यादा ठंड है और मैं जाते टाइम 6:30 बजे गया था यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं मैं सर्दी से पूरा प्रोटेक्ट होकर गया था, तो भी सर्दी नहीं है वो जकड़ लिया है। तो अभी चलते हैं घर पर और जाके घर जाते हैं रजाई के अंदर, क्योंकि तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं घर पर और अभी हेलमेट वगैरह उतार देते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और हाथ है उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। तो अभी पहले तो हाथों को गर्म करते हैं। तो दोस्तों अभी गैस है वो चालू करके हाथों को गर्म करते हैं क्योंकि हाथों में अभी दर्द होने लग गया है। तो दोस्तों अभी है वो हाथों को गर्म कर लिया है और रजाई में बढ़ जाते हैं एक बार, क्योंकि सर्दियों में ये रजाई से अच्छी है वो कोई जगह है वो नहीं होती है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं रूम के अंदर और रजाई के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी रजाई के अंदर आ गए हैं, तो आप भी होश के इतना रजाई के अंदर ही रहिए सर्दियों के अंदर, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है और यदि आपको बाहर कहीं जाना भी पड़े तो आप है वो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जाए, क्योंकि बाइक वगैरह हम जब चलाते हैं तो हाथों को ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है, और यदि हम हाथों में कुछ पहने वगैरह ही चले जाते हैं तो हाथ है वो ठंड के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हमें है वो बाइक चलाने में दिक्कत आ सकती है। तो आप पूरी सुरक्षा के साथ ही बाहर जाएं। तो दोस्तों अभी एक बार आराम करते हैं और बाद में स्कूटी है उसको सर्विस के लिए सर्विस करवाने के लिए देने जाएंगे। तो अभी एक बार तो आराम करते हैं और शरीर को है वह गर्म करते हैं के अंदर। तो ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं और अभी मैं स्कूटी की सर्विस कराने के लिए जा रहा हूं, और अभी हमारी स्कूटी है वो नीचे खड़ी है। तो दोस्तों अभी मैं चल दिया हूं स्कूटी की सर्विस कराने के लिए जा रहे हैं, और अब की बार स्कूटी है वो भी बहुत ज़्यादा चली है क्योंकि अभी गांव लेके चला गया था पहले, तो गाँव में ऑफ रोडिंग वगैरह और लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर। दोस्तों अभी स्कूटी को है तो सर्विस कराने के लिए दे दिया है, तो अभी चलते हैं। अभी इन्होंने कल का बोला है कि कल 2 बजे आना, तो कल 2 बजे ही वापस मिलेगी स्कूटी। अभी इन्होंने 1.5 दिन का टाइम लिया है पूरा, तो चलते हैं दे सकते हैं सर्विस सेंटर है। दोस्तों अभी मैं स्कूटी को है वो सर्विस कराने के लिए देकर आ चुका हूँ घर पर, वो है कल दोपहर 2 बजे के लगभग है वो स्कूटी देंगे वापस। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।